आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। विजय मिश्र की बड़ी मुश्किलें, पूर्व विधायक की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, भतीजे और बहू के नाम पर थी रजिस्ट्री। वाराणसी की एक गायिका से दुष्कर्म, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने सहित कई मामलों में आरोपी ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। डीएम के आदेश पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शनिवार को 2.5 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसके पूर्व भी 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अपराधियों और अपराध के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि संगठित होकर अपराध करने वाले पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई में शनिवार को कुख्यात गैंग लीडर विजय मिश्र निवासी खपटिया थाना हंडिया जनपद प्रयागराज हाल पता कौलापुर की कौलापुर में 2.5 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक द्वारा आपराधिक तरीके से डरा धमकाकर मौजा कौलापुर स्थित रकबा 1.7370 हेक्टेयर भूमि अपने परिजनों के नाम रजिस्ट्री कराई गई, जिसका सर्किल रेट 2.50 करोड़ है। गैंग लीडर विजय मिश्र द्वारा उक्त संपत्ति अपने पारिवारिक सदस्य पुष्पलता पत्नी प्रकाश चंद और प्रकाश चंद पुत्र रामजी निवासी खपटिया थाना हंडिया जनपद प्रयागराज के नाम क्रय किया गया था। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ पिंटू तिवारी की रिपोर्ट। आज भदोही पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या के आधार पर डीएम भदोही द्वारा कुख्यात और पेशेवर माफिया विजय मिश्रा के परिजन और उसकी गैंग के सदस्यों के जमीन लगभग जिसकी सर्किल रेट के अनुसार जिसकी कीमत लगभग 2.50 करोड़ के आसपास है, उसको डीएम भदोही के आदेश से आज कुर्क किया गया है। जो विजय मिश्रा है उसके ऊपर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट, अवैध खनन और रंगदारी मांगने जैसे लगभग 85 से अधिक अभियोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों और कुछ अन्य राज्यों के अभियोग भी इसमें शामिल हैं, पंजीकृत हैं। लगातार इस गैंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।